वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से मानवीय मन के पास है अवसाद, चिंताएं, द्वंद और बहुत से भ्रम हैं, उनके निवारण के लिए ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे ऐसा लगता है इस समय मनोदशा में अवसाद है और बहुत सी आजीविका को लेके भी नाना प्रकार की दुश्चिंताएं हैं। कोरोना के इस काल में भी अगर हम देखें तो मनोदशा में एक बड़ी अस्थिरता रही है। स्वर्ण स्वर भारत का ये आयोजन और ये जो कुछ भी एक जो देखने को मुझे मिला है, मैं इसे सारस्वत अनुष्ठान कहूँगा। मुझे ऐसा लगा आज के कार्यक्रम में जैसे भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता और उसकी आद्य संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करता है ये स्वर्ण स्वर भारत, जो आदरणीय कैलाश जी, हमारे कुमार विश्वास जी, हमारे आदरणीय सुरेश वाडकर जी और रवि किशन जी जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि सारी संवेदनाएं अत्यंत प्राच्य हैं। वे वैदिक संवेदनाएं जो पूरे जो भारत के अध्यात्म और भारतीयता को प्रदर्शित करती हैं। जो आज ये प्रतियोगी प्रतिभागी भी जो दिखाई दिए मुझे, वे उनमें ऐसा लगा कि भारत का आध्यात्मिक संस्कार, पूजा पाठ और वो संस्कार जिसमें नित्य इष्ट की आराधना, अर्चना और अभ्यर्चना है, तो मुझे आज के कार्यक्रम में ऐसा अनुभव हुआ कि भारत को भक्ति की, अध्यात्म की और उन संस्कारों की आवश्यकता है जिनके कारण हम इष्ट के निकट जा सकें और परिवारों को बांध सकें। करें एक शो बने जिससे आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्रीय ना आजादी के आंदोलन के गीत गाए जाएं, बीच में कुछ कथाएं सुनाई जाएं, कुछ वैज्ञानिकता सम्मिलित की जाए। इतनी सुंदर कंसेप्ट थी कि मैंने कहा कि मैं जरूर इसमें किसी भी भूमिका में आऊंगा और आज मैं उसमें विश्वलोक के प्रतिनिधि के रूप में उन बच्चों के साथ बैठता हूँ। जी, हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, उद्वेलित हैं, तरंगित हैं, उमंगित हैं और इसलिए हैं कि भारत में तो नहीं परंतु विश्व में भी कभी ऐसा शो बना नहीं। देखिए, आध्यात्म और संगीत एक साथ आए। जब हम शुरू हो रहे थे अपने जीवन में संगीत में, तो हम क्योंकि आश्रम में पले बड़े हैं, गुरुकुल से ही आए थे, मैं गंगा किनारे आरती से पहले गाता था, कुछ अलग स्वच्छंद चीज़ें गाता था, तो सब पूछते थे मुझसे क्या गाते हो, कैसा गाते हो, तो मुझे पता भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमने विधिवत सीखा भी नहीं था। लेकिन जब इन इतने बड़े बड़े लोगों का गाना सुनते थे, तब लगता था ये कैसी इंडस्ट्री होगी, ये कैसा भव्य दुनिया होगा, संसार। और जब आकर यहाँ देखा और इनकी सरलता देखी, इन बड़ों की, तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता था ईश्वर से कि जब हमारी गायकी, हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व यहाँ सारी दुनिया को भा गया, तब हमने ये मन में संकल्प लिया था कि हे मेरे ईश्वर, कभी अगर हमको, क्योंकि हम तो आध्यात्म से संगीत में आए हैं, संगीत से आध्यात्म की ओर गए नहीं, तो तब हमने ये परिकल्पना की थी कि हे मेरे ईश्वर, एक दिन अगर ऐसा हो कि जब हम पूरे भारत को फिल्मी दुनिया की तरफ से, संगीत की दुनिया की तरफ से और पूरा प्रतिनिधित्व निभाएं कि हाँ, भारत का सिनेमा जगत भी, भारत का संगीत जगत भी भारत को जगाने का कार्य कर सकता है, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, थोड़ा आत्म मंथन, प्रभु सुमिरन भी दे सकता है। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोष किया था कि जो भी भारतवासी, भारत के कलाकार, भारत के साधक अलग अलग क्षेत्रों से भी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र से ये उत्सव का भागीदार बने, तब हमने ये परिकल्पना की और आज ये संकल्पना मूर्त रूप ले रही है स्वर्ण स्वर भारत के रूप में। जब से मेरा करियर शुरू हुआ है तब से आध्यात्मिक गानों, भजनों की तरफ भी मेरा रुझान रहा है। बहुत सारे भजन गाए हैं, मंत्र गाए हैं और ये अलग प्रोग्राम जो इसका कंसेप्ट ही पूरा अलग है, उसमें आध्यात्मिक गाने ही, भजन, सूफी भक्ति पर गीत, तो ये और इसमें बहुत जेन्युइनिटी होगी, कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी, रोना धोना ये सब कुछ नहीं होगा, प्योरली गाने का प्रोग्राम होगा। और आज के इस पेंडेमिक के समय में लोग वैसे भी भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ गए हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अलग सा है और लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हमारे सुनने वाले लोग हैं, यहाँ पे भारत में, भारत के बाहर, तो सब लोगों के लिए ये प्रोग्राम
एक अट्रैक्शन होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जैसे रामायण होती थी, महाभारत होता था टीवी पे, जब पूरी रोड्स खाली हो जाते थे, तो वही अवस्था आने वाली है इस प्रोग्राम की तहत। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इसको मैं बहुत खुश हूँ, सूत्रधार हूँ इसका, एंकर हूँ, और मैं देवऋषि नारद भी बना हूँ, तो देवलोक में भी है पृथ्वी। पहली बार ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा शो आ रहा है जहाँ आप देवलोक भी है, पृथ्वी लोक भी है, और एक से गायक हैं और भजन गा रहे हैं ईश्वरी आराधनाओं को, जो हम लोग कहते हैं ना परिवार मंदिर जाता है, माता बहनें दादा दादी बच्चे, अब वो भजन उनको शनिवार रविवार रात को जी टी वी पर मिलेगा, तो बहुत ही सुंदर है और बड़ा आनंद ले रहा हूँ। मेरे मन का शो, क्योंकि मैं थोड़ा अध्यात्म से शिव भक्त हूँ, तो मुझे मैं मन का शो था और मुझे मन का मिला, ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा है वो जी टी वी, इस पर बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी कर रही है, ग्राफिक्स टू एवरीथिंग, पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ भव्य है, तो अच्छा हुआ इतने भव्य शो के साथ जुड़ के, ये मेरा सौभाग्य है।